दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। दोस्तों आपने कई सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे, पार्ट्स देखे होंगे जिसपे एक प्लेटिंग की लेयर चढ़ी होती है। उसमें कई कलर की जिंक प्लेटिंग हो सकती है, येलो हो सकती है, वाइट हो सकती है, ब्लैक हो सकती है। तो जो जिंक प्लेटिंग है वो क्यों करते हैं हम किसी पार्ट पे? हम किसी भी आयरन के पार्ट पे जिंक प्लेटिंग इसलिए करते हैं ताकि उस पे जंग ना लगे, वो ड्यूरेबल हो जाए और वो दिखने में भी थोड़ा सा सुंदर लगे। अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं अपनी 8th, 9th, 10th क्लास में, तो वहाँ पे आपने केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा होगा, गैल्वनाइजेशन। उसमें क्या हुआ करता था, एक सॉल्यूशन हुआ करता था, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हुआ करते थे, और उसमें हम क्या करते थे, एक जो आयरन की स्ट्रिप है उस पर जिंक की लेयर को चढ़ाते थे। तो ये जो गैल्वनाइजेशन की प्रोसेस है एग्जैक्टली यही है जिंक प्लेटिंग जो इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जिंक प्लेटिंग एक्चुअली में होती क्या है, क्या उसकी एडवांटेजेस हैं, क्या उसकी डिसएडवांटेजेस हैं, क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं और क्या उसकी टेस्टिंग्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए टॉपिक के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जिंक प्लेटिंग प्रोसेस के साथ। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद जनरल प्रोसेस के स्टेप्स कौन से होते हैं प्लेटिंग के उसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ जिंक प्लेटिंग लाइंस कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्रीज़ में जो जिंक प्लेटिंग है वो एक्चुअली में होती कैसे है उसकी बात करेंगे, प्लेटिंग के पार्ट पे इंस्पेक्शन और टेस्टिंग क्या होती है उसकी बात करेंगे, प्लेटिंग की एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और एप्लीकेशंस क्या हैं उनकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो प्लेटिंग जो है, जिंक प्लेटिंग, वो निकल के आती है गैल्वनाइजेशन से। गैल्वनाइजेशन कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें हम आयरन या स्टील पे जिंक की लेयर को चढ़ाते हैं, उसे बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये एग्जैक्टली वैसा ही फिगर है जो कि हमने केमिस्ट्री की बुक्स में देखा है अपनी, ठीक है। यहाँ पे एक बाथ बनाया हुआ है जिसमें सॉल्यूशन है और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हैं बैटरीज के। यहाँ पे एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हमने दिखा रखा है जिंक, जो कि सुपीरियर मटेरियल है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एक मेटल है जो आयरन है, ठीक है। उसे हमने कैथोड बना रखा है नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो करंट है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है। तो जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगी और जो जिंक मटेरियल है वो यहाँ से उतर के ये जो आयरन है इसके ऊपर एक लेयर बना देगा। अब कितनी मोटी लेयर बननी चाहिए, ठीक है, वो डिपेंड करेगा करंट पे, वोल्टेज पे और टाइम कितना हमने दिया इस प्रोसेस को उसके ऊपर। अब जो गैल्वनाइजेशन की प्रोसेस है, कोई नई प्रोसेस नहीं है, काफ़ी पुरानी प्रोसेस है, 1742 से प्रैक्टिस में है, जो कि डिप गैल्वनाइजेशन की प्रोसेस है। इसलिए हम जिंक प्लेटिंग को गैल्वनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। गैल्वनाइजेशन प्रोसेस जिंक प्लेटिंग ही है। अब बात करते हैं गैल्वनाइजेशन प्रोसेस के बेसिक स्टेप्स के बारे में। ये बेसिक स्टेप हैं जो कि गैल्वनाइजेशन प्रोसेस में होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है सरफेस प्रिपरेशन। सरफेस प्रिपरेशन मतलब क्या है, जिस भी पार्ट पे, जिस भी प्रोडक्ट पे हमें प्लेटिंग करनी है उसको पहले हम प्रिपेयर करते हैं प्लेटिंग के लिए। ऐसा नहीं कि लिया और प्लेटिंग वाले टैंक में डाल दिया और हो गई प्लेटिंग, ऐसा नहीं होता। जैसे कि कोई भी एक राजा है, ठीक है, अब वो अगर अपनी गद्दी से हटेगा, जो उसका उत्तराधिकारी है, जब वो बैठेगा तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन से उसे बिठा दिया और उसने राज चलाना शुरू कर दिया। वहाँ पे क्या होता है, उसका राज्य अभिषेक होता है, उन्हें दूध से, दही से, शहद से नहलाया जाता है और यज्ञ करवाए जाते हैं, शुद्धिकरण करवाया जाता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सब करते हैं ताकि वो प्रिपेयर होए उस गद्दी के लिए, तब उसे गद्दी पे बिठाया जाता है, तब उसे राजा बनाया जाता है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पर सरफेस प्रिपरेशन कराया जा रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे डीग्रीसिंग हो रही है। हो सकता है जो पार्ट है जिसमें हम प्लेटिंग करना चाह रहे हैं उस पर कोई ऑयल हो, ग्रीस हो, वो साफ़ करने के लिए इसमें सॉल्यूशन बना हुआ है, तो डीग्रीसिंग टैंक में जाएगा सबसे पहले। उसके बाद रिंजिंग करेंगे। रिंजिंग का मतलब जो स्वच्छ पानी है उसमें उसको डुबो देंगे, क्योंकि जो यहाँ पे पानी यूज़ किया गया था, हो सकता है वो सोप वाटर हो, कोई एसिड हो उसमें, तो उसको हमने हटाने के लिए यहाँ पे रिंजिंग करी है वाटर वाली। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, एसिड पिकलिंग कर रहे हैं। हो सकता है कुछ स्केलिंग वगैरह हो और कुछ अंदर गंदगी हो, वो सब निकल जाए एसिड पिकलिंग से। उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा से रिंजिंग करी है कि उस पार्ट में एसिड ना रह जाए, फिर उसे पानी से साफ़ कर रहे हैं।
उसके बाद फिर फ्लक्स सॉल्यूशन में उसे डाल रहे हैं। फ्लक्स सॉल्यूशन क्या करेगा, उसकी जो सरफेस है उसे यूनिफॉर्म कर देगा, उस पर अच्छे से प्लेटिंग फिर चिपकेगी, ठीक है, लेयर जो है वो अच्छे से उस पर आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने उसे सुखाया और फिर डाल दिया हमने फाइनली जिंक वाले बाथ में, जो कि यहाँ पे हो रहा है गैल्वनाइजेशन एक्चुअल में, ठीक है। फिर जिंक वाले बाथ में डाल देंगे, करंट की सप्लाई वहाँ पे चली जाएगी। तो कितना करंट होना चाहिए, कितना वोल्टेज होना चाहिए, पार्ट पे डिपेंड करता है, कितनी मोटी लेयर चाहिए, वो सब पैरामीटर उस पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे उसके और इंस्पेक्शन करेंगे। ये जो है वो बेसिक स्टेप्स हैं। इंडस्ट्रीज में जो स्टेप्स हैं वो थोड़े से डिफर कर सकते हैं, लेकिन जो ये स्टेप्स हैं वो बेसिक हैं, ये सेम रहेंगे, ये रहेंगे ही रहेंगे, कुछ ऐड हो सकता है पर ये रिमूव नहीं होगा। अब जो ये बेसिक स्टेप हैं गैल्वनाइजेशन के, इन्हें हम मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। मैनुअली जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक टैंक बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैनुअली हम क्रेन से उसे डुबो रहे हैं, जिस भी जो पाइप है, पोल है, इस पर हमने जिंक प्लेटिंग करनी है, तो हम इस बात में उसे मैनुअली डाल रहे हैं। और जो प्रोसेस होंगी डीग्रीसिंग की, सफाई धुलाई की, वो सब हमने मैनुअली कर ली है, उसके बाद हम डायरेक्टली अब जिंक बाथ में डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैनुअल प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑटोमेटिक प्लांट बना हुआ है, कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड है ये, बस हमें कमांड देनी है, जो प्रोग्राम बना होगा कि भैया किस बात में से कितनी देर में निकलना है, कब जाना है, कितना टेम्परेचर होगा, कितना करंट होगा, सब मेंटेन करा हुआ है ऑटोमेटिक लाइन में, ठीक है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक प्लांट होता है, डिटेल में हम आगे समझेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक जिंक प्लेटिंग लाइन की, कि कितने टाइप की लाइंस होती हैं ऑटोमेटिक जिंक प्लेटिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रैक लाइन, ठीक है। रैक लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है एक हैंगर टाइप का आप देख सकते हो, तो ये एक स्पेशल पर्पस जिग है, ठीक है, स्पेशल पर्पस कोई फिक्स्चर है, जिग है, इस पर पार्ट को हमने लटकाया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो डिटेल में कि यहाँ पे कुछ हैंगर टाइप का है, इसमें हमने गोल गोल ये जो पार्ट है सिलेंड्रिकल टाइप का, इसमें हमने लटकाया हुआ है, हैंग किया हुआ है। तो ये जो लाइन है ये होती है रैक लाइन, ठीक है। यहाँ पे कस्टमाइज जो फिक्स्चर्स होते हैं, जिग्स होते हैं, उसमें हम पार्ट को लगाते हैं, उसके बाद वो बाथ में जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स होते हैं, जो सीधे सीधे नहीं होते हैं, छोटे नहीं होते हैं, थोड़े से मीडियम साइज़ के होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं, उन्हें हम रैक लाइन में प्लेटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड टाइप का आ जाता है हमारा बैरल लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बैरल है, ठीक है ना, ये एक सिलेंडर है क्लोज, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पानी गिर रहा है ना, तो ये जो है ये बैरल होता है हमारा। तो जो छोटे मोटे पार्ट होते हैं, नट बोल्ट्स, कॉलर्स वगैरह, जो छोटी छोटी स्क्रूज वगैरह हो सकते हैं जिन्हें हमें प्लेटिंग करनी है, उसे हम डालते हैं बैरल में, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स्चर नहीं है जैसा कि रैक लाइन में है, यहाँ पे बस ऐसे ही हम किलो के हिसाब से इसमें डाल देते हैं कि 5 किलो मेटेरियल डाल दिया, 10 किलो मेटेरियल डाल दिया, 15 किलो मेटेरियल डाल दिया, फिर उसके हिसाब से उसके पैरामीटर सेट हो जाते हैं, करंट वोल्टेज वगैरह, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बैरल लाइन। दोनों ही ऑटोमेटिक लाइन है, बस ये स्मॉल पार्ट्स के लिए हैं और सिंपल पार्ट्स के लिए हैं, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए हैं और मीडियम और बड़े पार्ट्स के लिए, ठीक है। ये होगी रैक लाइन और ये होगी हमारी बैरल लाइन। अब आगे बात करते हैं एक्चुअल में जो जिंक प्लेटिंग है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस किस तरह की होती है। ये PFD हमारा इंडस्ट्रीज का, जैसे जिंक प्लेटिंग लाइन चलती है, चाहे रैक लाइन हो चाहे बैरल लाइन हो, सिमिलरली स्टेप्स होते हैं उसमें। तो फ्रेंड्स सबसे पहला स्टेप आ जाता है सोकिंग का। तो सोकिंग का प्रोसेस क्या है, जैसे हम कपड़े धोते हैं तो हम सर्फ के पानी में कपड़ों को गलाने के लिए छोड़ देते हैं ना कुछ टाइम के लिए, ताकि उनका मैल वगैरह कट जाए, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे पार्ट के साथ हो रही है। यहाँ पे हम सोकिंग सॉल्यूशन में उन पार्ट्स को डाल देते हैं, ताकि उनकी जो गंदगी है वो सब कुछ साफ़ हो जाए, डीग्रीसिंग हो जाए, उनकी ऑयल वगैरह सब क्लीन हो जाए। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, साफ़ पानी में उसे निकाल लेते हैं, वाटर रिंजिंग कहते हैं इसको। उसके बाद थर्ड स्टेप में एसिड पिकलिंग होती है, जो और उसमें फर्दर स्केलिंग हो सकती है, कुछ गंदगी हो सकती है अंदरूनी, वो सब निकल जाए, उसके लिए हम एसिड पिकलिंग करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, वाटर रिंजिंग करते हैं फिर से, ताकि सब वो गंदगी वगैरह, एसिड वगैरह सब साफ़ हो जाए। अब यहाँ पे जो हमारा मटेरियल है वो एकदम साफ़ हो चुका है, सरफेस प्रिपरेशन हो चुकी है यहाँ पे, अब रेडी है वो फोर्थ स्टेप के बाद प्लेटिंग के लिए। तो इसलिए फिफ्थ स्टेप यहाँ पे आ जाता है इलेक्ट्रो प्लेटिंग का, जो एक्चुअल में जिंक प्लेटिंग का प्रोसेस है, गैल्वनाइजेशन का जो प्रोसेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रो प्लेटिंग हो जाएगी। जिसके पैरामीटर्स हैं करंट वोल्टेज और टाइमिंग वगैरह, वो पार्ट के ऊपर डिपेंड करती है, उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, और कितनी लेयर हमें चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, सिक्स नंबर पे वाटर रिंजिंग करते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, फिर उसे हम पार्ट को वाटर में क्लीन करते हैं।
उसके बाद जो क्लीन पार्ट होते हैं वो सेवन स्टेप में एसिड डिप के लिए जाते हैं। एसिड डिप यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लेयर यहाँ पे चढ़ती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, वो हो सकता है अनइवन हो, कुछ इरेगुलरिटीज़ हों उसमें, तो वो जो लेयर है वो एक समान हो जाए पूरे पार्ट पे, ठीक है, एक तरह की लेयर हो जाए हर जगह पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सारी इरेगुलरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए एसिड डिप करते हैं। उसके बाद फिर एट्थ स्टेप में यहाँ पे डीएम वाटर से रिंजिंग की जाती है। डीएम वाटर से हम जब रिंज कर देते हैं, उसको साफ कर देते हैं, धुलाई कर देते हैं, उसके बाद अब होता है पैसिवेशन। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ट्राईवेलेंट पैसिवेशन। तो यहाँ पे ट्राईवेलेंट पैसिवेशन हम करते हैं, हेक्सावेलेंट हम नहीं करते अब, वो काफ़ी टाइम पहले बैन हो चुका है क्योंकि वो ज़्यादा हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए, इसलिए ट्राईवेलेंट पैसिवेशन किया जाता है पार्ट्स पे। अब पैसिवेशन में यहाँ पे डिसाइड होता है कि जो पार्ट है उस पे किस तरीके का कलर होगा, वो येलो होगा, वाइट होगा, ब्लूइश होगा या फिर ब्लैक होगा। तो यहाँ पे हम पैसिवेशन करते हैं, उसके बाद फिर से वाटर रिंजिंग करते हैं, सफाई करते हैं पानी में। उसके बाद फिर टॉप कोट होता है, एक क्लियर कोट होता है, ठीक है, उस पे फिर चमक आ जाती है हमारे पार्ट में उससे। उसके बाद फिर सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर चला जाता है। अब यहाँ पे कोटिंग की सारी प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है 11th नंबर पे, टॉप कोट करने के बाद अब कोई भी कोटिंग की प्रोसेस नहीं होगी। इसके बाद फिर उसे साफ करेंगे, इसके बाद पार्ट को हमें सुखाना है, इसलिए वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर से ड्राई करते हैं कुछ मिनट टैंक में रख के। उसके बाद फिर ओवन में जाता है पार्ट कुछ देर के लिए, ताकि वो जो पानी वगैरह है, वाटर वेपर्स हैं, सब कुछ उस पर से उड़ जाए, एकदम साफ़ हो जाए हमारा पार्ट। उसके बाद यहाँ से पार्ट निकल के आता है और फिर उसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग क्या होती है, क्यूरिंग में हम उस पार्ट को 24 घंटे के लिए रख देते हैं ओपन एटमॉस्फेयर में। अब वो जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे कोई भी फ्यूम्स वगैरह ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि हम क्यूरिंग जो है वो प्लेटिंग के जो प्लांट है, जो शॉप फ्लोर है उसके पास ही कर रहे हैं। वो सेपरेट एरिया होना चाहिए, एक अलग कमरा होना चाहिए, एक अलग फ्लोर पे हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा, एक क्लीन एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम 24 घंटे पार्ट को रखेंगे नेचुरल क्यूरिंग के लिए। वहाँ पे कई बार हम सिलिका जेल भी यूज़ करते हैं, ताकि जो मॉइस्चर वगैरह है एटमॉस्फेयर में, एयर में, वो मॉइस्चर भी वहाँ से हट जाए। तो ऐसे एरिया में हम नेचुरल क्यूरिंग करते हैं। उसके बाद फिर जो 16th स्टेप आता है, जो फाइनल स्टेप है, वो हो जाता है इंस्पेक्शन एंड पैकिंग का। इंस्पेक्शन में फिर हम विजुअली चेक करते हैं कि उसमें कोई वाटर मार्क्स तो नहीं है, कहीं ब्लैकनेस तो नहीं है, कहीं प्लेटिंग ख़राब तो नहीं चढ़ी है, कोई पैसिवेशन गलत तो नहीं है उस पर, और भी बहुत सारे उसमें डिफेक्ट्स हो सकते हैं। और उसकी लेयर्स को भी चेक किया जाता है कि उसकी थिकनेस की लेयर कितनी है। तो उस तरह की यहाँ पे इंस्पेक्शन हो जाती है ऑनलाइन, और वहाँ पे पैकिंग हो जाती है और मेटल हमारा हम फिर डिस्पैच कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जिंक प्लेटिंग का प्रोसेस जो कि इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग के बारे में। अब टेस्टिंग कैसे होती है, सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं कोटिंग थिकनेस, जो कि कोटिंग थिकनेस गेज से चेक की जाती है। ये गेज भी कई तरह के होते हैं, कुछ होते हैं मैकेनिकल, ऐसे मैग्नेट टाइप के होते हैं जो कि यहाँ पे स्केल पे पता लग जाता है हमें, ये जो स्टाइलस है इसके खींचने से, कि कितना हमारा प्लेटिंग की लेयर चढ़ी है, ठीक है। और ये डिजिटल टाइप का है, ठीक है, इससे भी पता लग जाता है कि कितनी लेयर उस पर चढ़ी है। और ये जो है ये एनालॉग टाइप का है, इससे भी हम पता कर सकते हैं कि कोटिंग की कितनी थिकनेस हमारे पार्ट के ऊपर चढ़ी है, ठीक है। इसके बाद एक जो टेस्टिंग होती है वो होती है सॉल्ट स्प्रे टेस्ट। ये आप देख सकते हैं, ये सॉल्ट स्प्रे चैम्बर है। सॉल्ट स्प्रे चैम्बर में हम SST लाइफ देखते हैं पार्ट की। इससे हमें ये पता लगता है कि जो पार्ट है उस पर कब रस्ट लगेगा। इसमें एक सॉल्यूशन होता है सॉल्ट स्प्रे चैम्बर में, इसमें नमक पानी का घोल होता है जिसे हम फ्यूम्स के रूप में स्प्रे करते हैं पार्ट के ऊपर, और उस पार्ट को हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कुछ कुछ घंटे में, उसके ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, नोट करते हैं, या फिर डेली बेसिस पर चेक करते हैं जो भी रूल बनाया गया है। और जैसा भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जैसा भी स्पेसिफिकेशन दे रखी है कि इसमें 48 घंटे तक वाइट रस्ट नहीं आनी चाहिए, या फिर 72 घंटे तक रेड रस्ट नहीं आनी चाहिए, या फिर 96 घंटे तक नहीं आनी चाहिए, या फिर 240 घंटे तक नहीं आनी चाहिए, जैसा भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके स्पेक के अकॉर्डिंग हमें इसमें चेक करना होता है। जो पार्ट होता है चेकिंग के बाद वो कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं ये वाइट रस्ट इस पर शो हो रही है, कुछ घंटे के बाद इस पर वाइट रस्ट आई हुई है। अगर ये स्पेसिफाइड टाइम से पहले आ गई तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, अगर उस टाइम के बाद आई है तो ये रिजेक्ट नहीं होगा, ये ओके पार्ट बन जाएगा।
और इस तरीके से रेड रस्ट आ रखी है, तो ये भी अगर 240 घंटे का टाइम कस्टमर ने बोला है कि 240 घंटे तक ऐसी रस्ट नहीं आनी चाहिए, तो वाइट आएगी तो चलेगा, हो सकता है उसने बोला हो कि 96 घंटे बाद वाइट तो आ सकती है लेकिन रेड नहीं आनी चाहिए, कब तक, 240 घंटे तक। तो हो सकता है अगर पहले ही आ गई तो ये NG हो जाएगा और बाद में आई तो ओके हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्ट स्प्रे टेस्ट करते हैं और कोटिंग थिकनेस गेज से कोटिंग थिकनेस चेक करते हैं कि वो कितनी है पार्ट पे। तो ये तो हो गई टेस्टिंग की बात, अब बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की, जो प्लेटिंग है हमारी उसके क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। ये हमें सबसे पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कोरोजन से, ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस बनाती है हमारे पार्ट को कि उसमें जंग ना लगे, सबसे पहला इसका जो मेन मोटिव है। उसके बाद एक ईजी प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, ईजिली की जा सकती है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है। अगर हम इसे ऑटोमेटिकली करते हैं, ऑटोमेटिक प्लांट में करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत जल्दी हो जाती है, इतनी महंगी नहीं पड़ती है, ठीक है, और अट्रैक्टिव फिनिश हमारे पार्ट में आ जाती है, ये इसकी एक एडवांटेज हो जाती है। वाइड रेंज ऑफ सरफेस अपीयरेंसेज मिल सकती हैं आपको, वाइट, येल्लो, ब्लैक, और थिन कोटिंग इस पर चढ़ती है, ऐसा नहीं है कि कोटिंग के बाद पार्ट हमारा भारी हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें डायमेंशंस में चेंज आ जाता है, ऐसा भी नहीं है, एक थिन लेयर इस पर चढ़ जाती है और कोरोजन रेजिस्टेंस भी बन जाता है हमारा पार्ट। ये तो हो गई एडवांटेजेस, और भी कई सारी एडवांटेजेस हो सकती हैं, हमने कुछ की बात करी है यहाँ पे। इसके बाद अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि एक टॉक्सिक प्लेटिंग सॉल्यूशन इसमें हम यूज़ करते हैं, तो जो टॉक्सिक प्लेटिंग सॉल्यूशन होता है इसकी वजह से हम हर किसी जगह पे इस प्लांट को नहीं लगा सकते। अगर हमें प्लेटिंग करनी है, अपना प्लेटिंग का प्लांट लगाना है, तो हम ऐसा नहीं है कि घर में लगा लेंगे या फिर किसी भी एरिया में जाके लगा लेंगे, इसके लिए एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एरिया होता है, प्लेटिंग जोन डिफाइंड करे होते हैं गवर्नमेंट ने कि आपको इसी जगह पर प्लेटिंग करनी है, यहीं पर ऑथराइज है प्रोसेस और कहीं आप नहीं कर सकते हैं, इलीगल होगा, ठीक है। तो ये एक टॉक्सिक प्लेटिंग सॉल्यूशन इसमें हम यूज़ करते हैं। रिस्क होता है इसमें हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट का, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं उनका मटेरियल ऐसा होता है, स्प्रिंग स्टील हो सकती है, इसमें जो हार्डनेस है वो ऊपर नीचे हो सकती है, हमारा जो मटेरियल है वो हार्ड हो सकता है, ब्रिटल हो सकता है, फिर वो फंक्शन ना करे, जल्दी टूट सकता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट का रिस्क रहता है। और प्रोसेस का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई होता है और हाई इक्विपमेंट कॉस्ट होती है। अगर हम एक प्लेटिंग का प्लांट लगाना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, उसमें करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, तो बहुत ज़्यादा इजी नहीं है प्लेटिंग का प्लांट लगाना, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। हाँ, इसकी प्रोसेस जो है वो सस्ती पड़ती है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट जो है इक्विपमेंट की वो महंगी पड़ती है। तो ये होगी इसकी डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो इसकी कई सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ऐसे पार्ट्स जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल के होते हैं, थोड़े मीडियम साइज़ के होते हैं, बड़े होते हैं, ऑटोमोबाइल के पार्ट हैं, किसी मशीनरी के पार्ट हैं, उन पे कर सकते हैं, नट बोल्ट्स हो गए, स्क्रूज़ हो गए, फास्टनर्स हो गए, उन पे कर सकते हैं, ठीक है, स्प्रॉकेट पे कर सकते हैं, गियर्स पे कर सकते हैं, हिंजेस वगैरह हो गई, हुड हिंज हो गए, सीट लॉक्स हो गए, कॉलर्स हो गए, बुशेस हो गए, ऐसा मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं अनगिनत जिन पे हम प्लेटिंग को करते हैं। तो काफ़ी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है प्लेटिंग की। तो फ्रेंड्स, ये सब था प्लेटिंग प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये सब था जिंक प्लेटिंग के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा टॉपिक और आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।